हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम सियावश है एंड आई वेलकम यू टू फ्री लेक्चर सीरीज ऑफ प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेशन। प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेशन 3 मंथ्स का कोर्स है। आप जो देखने लगे हैं उसकी कोर्स रिकॉर्डिंग्स हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube के ऊपर मौजूद मिलेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और आप पूरी कोर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेना चाह रहे हैं तो आप udemy.com से जाके परचेज कर सकते हैं। वैसे तो पूरा कोर्स का जो वैल्यू है 45,000 कंप्लीट कोर्स का है लाइव अगर आप लेते हैं, बट यूडेमी के ऊपर आपको लॉन्चिंग प्राइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं और सर्टिफाइड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आप उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे नीचे दी गए लिंक को विज़िट करके। कमेंट सेक्शन में देखें, आपको लिंक मिल जाएगा। Now let's have a look at how we can build another look, कि हम किस तरीके से बना सकते हैं रेपो बिल्ड एक्टिव लिसनिंग के जरिए। एक्टिव लिसनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन, यू कैन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू नो, और क्या हुआ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता, बल्कि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो उसने क्या किया, अच्छा ओके ओके ओके, एंड देन रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, जैसे हमने पीछे देखा रिक्वेस्ट, तो आपका हस्बैंड ने सच्ची में ये कहा। Be attentive means be present. अब आपने माइंड में अपने इमोशंस में लॉस्ट नहीं हो, बल्कि प्रेजेंट रहे, उसके लिए अवेलेबल रहे। समराइज करके उसको पूछे, जैसे हमने पीछे देखा, रिफ्रेज एंड पैराफ्रेज करके, पैराफ्रेज करके उसको कहें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कई बार ऐसा हुआ मेरे पास क्लाइंट्स आए और उनकी इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस खुद की बिल्ड नहीं होती कि वो अपने इमोशंस को समझे, तो मैं उनसे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी लिख लें अपने पास, जब वो स्टोरी सुना रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा, एंड हाउ डिड यू फील जब आप उधर गई US में और आपको पता चला कि आपके हस्बैंड का पहले से एक बेटा भी है, हाउ डिड यू फील। नाउ क्लाइंट नीड्स टू put a name to the emotion, ठीक है। अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं एक emotion की list उनको देता हूँ, जैसे इस book में है, by the way ये DBT की book है, जो आगे course, एक और course बनाएंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। emotion, list of emotions मैं client को सामने रखता हूँ, या open इसलिए कि क्योंकि मैं इससे पहले client के साथ काम कर रहा था और ये open list of emotions, how did you feel जब उसने आपको ये news दिया। बस ठीक है, अक्सर हमारे कॉम का यही होता ना, ठीक है ना, बस ऐसे ही होता है। नो, ठीक है, ऐसे होता है, बट वी वांट टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस इन द क्लाइंट। तो हम उसे कहते हैं, हाउ डिड यू फील, वो कहते हैं जी, व्हाट डिड यू फील, डिड यू फील, ठीक है, अडोर्ड, अफ्रेड, एंग्री, अनॉयड, एंग्शियस, ब्ला 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 ब्ला। दे नीड टू लर्न टू नेम द इमोशंस, अपने इमोशंस को उन्होंने नेम करना बहुत लाजमी है। अगर वो नहीं कहते हैं, even when I press them, they look at this list और कहते हैं कि यार, I don't know, इनमें से कोई भी apply नहीं हो रहा। अब मेरा काम है अपना pain के साथ connect करूं, okay? Now I give them an option। मैं उनसे कहता हूं कि अच्छा जी, मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे तो बहुत betrayed feel होता। आप ये तब कर सकते हैं उसको ऑफर जब आपको अपने इमोशंस के साथ इतनी इंटेलिजेंस हो, उनको इतना आप क्लियरली क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपको पता हो कि आप उसकी जगह पे होते तो कैसे फील करते हैं। आई थिंक मैं आपकी जगह होता, मैं बहुत बिट्रेड फील करता, साथ साथ मैं बहुत एंग्री भी होता, साथ साथ मैं बहुत, दैट्स इट, बिट्रेड एंड एंग्री, आप कैसे फील करते हैं। नाउ दे हैव ऑप्शन, नाउ दे कैन टॉक, ठीक है। अच्छा जी, कई बार मेरे पास डिप्रेशन के साथ लोग आए, डिप्रेशन, लोनलीनेस, डिप्रेशन के साथ लोग आए और उनको पता, उनको नाम नहीं पता कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ। देन आई हैव टू टीच देम, अच्छा तो
यानी कि बचपन से लेके आज तक आपको किसी ने नहीं समझा, आपने जब भी किसी से, जब वो कहती रही कि मुझे कोई नहीं समझता प्लान, ओके वो कहती है कि मुझे कोई नहीं समझता, मैं कहता हूँ अच्छा तो बचपन से लेके आज तक आपको कोई नहीं समझा? नहीं मुझे कोई नहीं समझा। ओह माय गॉड, तो मैं अगर होता मैं तो बड़ा लोनली फील करता, अकेला फील करता, आप कैसे फील करती हैं? देन उनके पास नाम आ गया, ओके या आई थिंक मैं भी लोनली फील करती हूँ। ओके नाउ यू हैव अ नेम टू पुट टू द इमोशन। ठीक है, नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाद में जब हम थेरेपी कर रहे होंगे, इमोशंस को रिलीज कर रहे होंगे, या आगे की जो चाइल्ड रेस्क्यू हम करेंगे कोर्स में 3rd मंथ में, ना हम उस इमोशन को लेके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना इमोशंस को, रिफ्लेक्ट फीलिंग्स, बी अट्यून टू फीलिंग्स, अट्यून उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के ना आप अपने, एंड देन आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट रहे एंड देन लेट एंड अंडरस्टैंड। सो लाइक नो वन विल कम टू यू एंड से कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ओके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क आर यू श्योर यू आर फीलिंग हैप्पी, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज मुझे कह रहे हैं कि आप सैड हो। ठीक है, या कई बार हमारे जो एक कोपिंग मैकेनिज्म है ह्यूमर यूज करने का, जब हम बहुत सैड होते हैं या एंक्शियस होते हैं, स्पेशली मेन, लाइक हम डीप प्रोबिंग क्वेश्चन करके जा रहे हैं और कहते हैं कि हाँ यार मैं बहुत अकेला था, या उसने मुझे बिट्रे किया, बस ना बस करते हैं ना लोग, बिट्रे करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब बंदा क्या कर रहा है, बंदा अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, लोग मुझे बिट्रे करते हैं, इट्स ओके मैं उनको स्टॉप, वेट अ सेकंड आर यू श्योर इट्स ओके? आप स्माइल करके मुझे बता रहे हैं कि आपके फादर ने आपको कभी अटेंशन नहीं दिया, डू यू रियली फील हैप्पी अबाउट इट? नहीं मुझे तो बुरा फील होता, देन व्हाई डू यू स्माइल अबाउट इट? ठीक है, वी वॉन्ट टू मेक श्योर क्या हम सुन रहे हैं, केयरफुली एम्पेथाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड देन वी लेट द क्लाइंट नो कि इट्स ओके फॉर देम टू फील ऑल द बैड फीलिंग जो वो नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हमारे सामने। सो दिस इज हाउ वी लिसन केयरफुली, वी एम्पेथाइज एंड वी रिफ्लेक्ट एंड वी क्लैरिफाई एंड वी होल्ड जजमेंट एंड सारी बातें टू डू एक्टिव लिसनिंग। आगे हम देखते हैं कि हम हिप्नोसिस, रेपो, रेपो और किस तरीके से बिल्ड हो सकता है क्विकली एंड रैपिडली, मिररिंग मैचिंग क्या है, पेसिंग एंड लीडिंग क्या है।